मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अगर फिनोल हमें तैयार करनी पड़ जाए तो कौन कौन से मेथड है जो आपकी बुक के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिनोल को दो तरीकाकार हैं, दो तरीकाकार को इस्तेमाल करके आप फिनोल को तैयार कर सकते हैं। इसमें से एक मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी दफा पास पेपर में आ चुका है, सही वो मेथड का नाम भी याद रखिएगा। सबसे पहला जो मेथड है वह है प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को इस्तेमाल करें। क्लोरोबेंजीन को इस्तेमाल करके आप उससे फिनोल को तैयार कर लें। अच्छा, क्लोरोबेंजीन से जब फिनोल को तैयार करते हैं इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम को याद रखिएगा, इसको कहते हैं डाउज मेथड। क्या नाम देते हैं? डाउज मेथड, DOWS, डाउज मेथड। डाउ असल में साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम से इस मेथड का नाम रखा गया, डाउज मेथड। अब पास पेपर में क्वेश्चन असल में इस नाम से आता है, व्हाट इज डाउज मेथड, सही है? क्या आता है क्वेश्चन, इस तरह कुछ आएगा, व्हाट इज, क्या होता है, व्हाट इज डाउज मेथड, डाउज मेथड क्या होता है, डाउज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, डाउज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन ऑफ ऑफ फिनोल, फिनोल की तैयारी के लिए डाउज मेथड का तरीकाकार क्या है, यह हमारे पास पास्ट पेपर में काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। मेन चीज जो है यहाँ पे वो इसकी कंडीशन याद करनी है, कंडीशन दो तीन आ जाती है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस की, तो ये कंडीशंस कौन कौन सी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अगर आप डाउज मेथड से फिनोल को तैयार करना चाहते हैं। पहली कंडीशन, आपके पास टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी, टेम्परेचर जो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर शुड बी, शुड बी टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 360 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर शुड बी, प्रेशर होना चाहिए कितना, प्रेशर शुड बी 150 atm। ये दो चीजें याद रखनी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको याद कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं होती, इसको सारा का सारा रट्टा होता है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगा के आपने ये वाली चीज तो याद रख ली, 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 150 atm प्रेशर, ये दो चीजें आ गई। अब कंडीशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है रिएक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिएक्शन के मुताबिक अगर आप थोड़ी बहुत वर्डिंग लिखना चाहते हैं तो वर्डिंग लिख लीजिएगा। इसमें कुछ तरीका कर ये करना है कि आपने सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को चेंज करना है, क्लोरोबेंजीन चेंज होगी फिनो सोडियम फिनोक्साइड में, क्लोरोबेंजीन ने तब्दील होना है सोडियम फिनोक्साइड में, पहले नंबर पे सोडियम फिनो ऑक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड ने चेंज होना है फिनोल में। यह तरीका कहा है, सोडियम फिनोक्साइड ने फिनोल में बदल जाना है, फिनोल में। तो चलिए आप सबसे पहला तरीका कार क्या करना है, आपने क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है मेरे पास जिसके ऊपर क्लोरीन लगी हो, इसको हम क्लोरोबेंजीन का नाम देते हैं, यहां पर क्लोरीन लगी हुई है, इसका रिएक्शन करवा दे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कौन सी कंडीशन में, कंडीशन आपने याद रखनी है 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 atm प्रेशर, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब होगा क्या, यहां पे कुछ काम ये होना है कि इस Cl ने मिलना है सोडियम के साथ, इस OH सॉरी इस Cl ने मिलना है H के साथ, और ये वाली चीज बन जाएगी HCl, हमारे पास एसिड बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगी और सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और हमारे पास जो चीज यहां बननी है कुछ इस तरह की, यहां पे ONa लगेगा, ONa, और इसको हम कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, फिनोक्साइड, ये वाली चीज हमारे पास यहां पे बनेगी। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इस सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन करवाना है, सोडियम फिनोक्साइड से कौन सी चीज बना रही है, फिनोल। अब आपने क्या किया, मैंने यहां पे सोडियम फिनोक्साइड लिया है,
यहां पे ONA आएगा और इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसका रिएक्शन करवा देना है HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? HCl। असल में HCl अगर बात करूं ना कहां से आया, तो ये वाली चीज HCl ही, ये वाली चीज क्या है HCl, वहीं से। यानी कि इसमें आप डायरेक्ट दोबारा HCl डालते नहीं है, HCl को दोबारा डालना नहीं है, वहीं से हमारे पास HCl प्रोड्यूस होता है, वही HCl दोबारा यूज हो जाता है। तो अब HCl में होना क्या है, इस ऑक्सीजन ने मिलना है इसके साथ, बाकी इस H ने जाकर OH यहां। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं ना, यहां पे हमने दो स्टेप के अंदर रिएक्शन किया है, अगर एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन करना है ना, तो आपके पास NaCl बनेगा यहां पे। अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन करवाना चाहूं तो काम वही है, NaCl बनना है, NaCl मिल जाना किसके साथ, Cl के साथ, और OH में जाकर इसके ऊपर जुड़ जाना। हमने दो स्टेप के अंदर रिएक्शन कराया, क्योंकि डाउस मेथड में क्लोरोबेंजीन को पहले चेंज करना है किसमें, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड को बाद में किसमें चेंज कर देना है, फिनोक। ये था जी हमारे पास एक तरीका, इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डाउस मेथड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, ये है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट जो तरीका है हमारे पास वो है From benzene sulfonic acid, from benzene sulfonic acid, sulfonic acid। अब benzene sulfonic acid को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके आप इससे भी फिनोल का बना सकते हैं। अच्छा ये बात याद रखिएगा, sulfonic salt of benzene sulfonic acid, salt of from यहां लिखा है salt of, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। असल बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये वाली चीज होती है, आपने पढ़ा होगा, अगर बेंजीन के ऊपर आप कौन सी चीज लगा दें, बेंजीन के ऊपर अगर हम लगा दें कौन सी चीज, SO3H, ये हमारे पास सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला है, SO3H। अच्छा मैंने यहां पर लिखा है साल्ट, साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा साल्ट बनता किस तरह है, साल्ट जब हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं, साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है, ये आपने पढ़ा होगा। मसलन मैं अगर कहूं ना ये हमारे पास क्या है, एसिड, इसी तरह बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी एक एसिड है, हमने इसका लेना है असल में साल्ट, इसका साल्ट बनाना, तो क्या करूंगा, इसका रिएक्शन करवाऊंगा NaCl से, NaOH से, NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये वाली चीज इस चीज से मिलेगी, और हमारे पास कौन सी बना देगी, वाटर H2O, और साथ में हमारे पास ये दो चीजें मिलेंगी NaCl। सेम काम यहां पे क्या करवाता हूं, NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाता हूं, जिसके नतीजे में वाटर बनना होता है, इस NaOH ने जाकर इसका साल्ट बनाया, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी कि सिंपल बात कहूं, यहां पे Na आएगा, यहां पे Na आएगा, इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का साल्ट कहते हैं, सही। अब यहां पे हमारे पास तरीकाकार क्या है, यहां पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है आपने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेंगे, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ये साल्ट लेना है, ये याद रखिए कौन से लेनी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का साल्ट, इससे आपने तैयार करना है फिनोक्साइड आयन। कौन सी चीज तैयार करेंगे, फिनोक्साइड, ये सोडियम फिनोक्साइड तैयार करना है, सोडियम फिनोक्साइड को तैयार करना है इससे, और इसके बाद आपने क्या करना है, इससे आपने नेक्स्ट तैयार करना है फिनोल को, इससे नेक्स्ट हम किस चीज को तैयार करेंगे, फिनोल को तैयार करेंगे। यह तरीका कार है, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड लें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम फिनोक्साइड तैयार करें, सोडियम फिनोक्साइड से फिनोल को तैयार करें। अब इसके लिए रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस याद रखिएगा, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। यहां जो कंडीशन देनी है, एक टेम्परेचर है याद रखिएगा, 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 320 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं। अब होगा क्या, हमारे पास नेक्स्ट आएगा रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन को किस तरह लिखेंगे, आपने सबसे पहले साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है, इसका रिएक्शन NaOH से करवा देना है किसी भी बेस के साथ, ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड का साल्ट होगा SO3Na, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया NaOH के साथ, NaOH के साथ जैसे रिएक्शन करवाऊंगा तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, कि आपका ये वाली चीज, इतनी चीज ने
मिलना है किससे, यहां पे जाकर इस पूरी चीज उतरना, ये हमारे पास बना देगा Na2SO4 और ONa बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास ONa बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड और साथ हमारे पास Na2SO4। तो ये हमारा मेन मकसद सोडियम फिनोक्साइड के साथ है। तो आपने सोडियम फिनोक्साइड लेना है, यहाँ पे एसिडिक कोई भी एसिडिक नेचर प्रोवाइड करनी है। एसिड जो यहाँ पे आपने यूज करना है HCl, यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप बिल्कुल इसकी तरह है, बिल्कुल इसकी तरह है। सोडियम फिनोक्साइड से आगे कौन सी तैयार करनी है, फिनोल। वहां पे सोडियम फिनोक्साइड बना लिया, दरमियान नेक्स्ट स्टेप वही है जो यहाँ पे किया, HCl के साथ रिएक्शन करवाया, NaCl के साथ मिलेगा और यहाँ पे O इसके साथ जाकर लग जाएगा, सही। और हमारे पास कौन सी बनेगी, यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करवाना है और इसके नतीजे में हमारे पास NaCl के साथ मिलना है और NaCl बना देना है बाई प्रोडक्ट। और हमारे पास जो मेन चीज आएगी वो यही है, ये वाला, ये क्या होगा हमारे पास OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। और ये चीज हमने फिनोल को प्रिपेयर किया है, किस चीज को प्रिपेयर किया है, फिनोल को। ये हमारे पास आज के लेक्चर मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो ही है, उनको अच्छे तरीके याद कर लीजिएगा।